अगर आप हारमोनिका प्रेमी हैं तो रोहित सहाय का चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा है, अच्छा है। ठीक से देखो, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। चलो ठीक है, स्टॉप करो, कट करो, एक प्ले कट मत करना यार, ये हवाई जहाज को अभी आना था। ओके, शुड वी रोल? यस, एक्शन। फिर से आ गया यार ये, हर तीन तीन मिनट पे आएगा, हर तीन मिनट पे मुझे ब्रेक करना होगा। मतलब ये पूरा अंदर कर दूं? नहीं, बाहर रहना चाहिए ना। एक मिनट बाद फिर प्लेन आ जाएगा। अरे यार ये तो ऐसे तो ट्यूटोरियल बनता रात तक नहीं बन पाएगा यार। क्या घर पे कर लेंगे? आधा यहाँ करोगे, आधा उधर करोगे, ऐसा थोड़ी ना होता यार। चलो चलो कट करो। हाय, मैं हूँ रोहित सहाय और एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल में जो कि हारमोनिका के लिए डेडिकेटेड है। जैसा कि मेरे पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि मैंने टावर का पावर बनाया था, यानी कि मैंने बेसिक्स बताए थे आपको। अब आती है गाने की बारी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, गाना बजाने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि कौन सा हारमोनिका लेना चाहिए। आपको याद होगा मैंने एक पुराना ट्यूटोरियल बनाया था जिसके ऊपर आपके बजट के हिसाब से मैंने हारमोनिका बताया था। जितना आपका बजट है आप उतने बजट में एक हारमोनिका ले सकते थे। मैंने 500 रुपये से लेके शायद मेरे ख्याल से 25,000 रुपये तक का हारमोनिका बताया था। बट जब मैं उनको मैं पूछता हूँ कि आपका लेवल क्या है, मीन्स आप कितने साल से बजा रहे हो, तो कोई कहता है कि मैंने अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया है, कोई बोलता है कि मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, कोई बोलता है कि मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे हारमोनिका ख़रीदने का, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हारमोनिका लेने से पहले, देखिए हारमोनिका लेना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसमें। तो लोग 1-2 साल से सीख रहे हैं या 1-2 साल से बजा रहे हैं या 3 साल से बजा रहे हैं, उनको मालूम है कि उनको कौन सा हारमोनिका लेना है या कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके बजट के हिसाब से है। बट मैं एक बिगिनर को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा महंगा हारमोनिका लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और देखिए, हारमोनिका में गाना बजाना ना कि इस हारमोनिका, ये हारमोनिका आपको हेल्प कर पाएगा, और ना कि ये हारमोनिका जो कि मेरा फेवरेट है क्रोमानिका 270 डिलक्स, तो ये आपका हेल्प तभी कर पाएगा जब आप कोई भी चीज़ गाना बजा रहे हो या आपको एक्सपीरियंस है गाना बजाने का। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतना बड़ा हारमोनिका ले लो, इतना छोटा हारमोनिका ले लो या बहुत महंगा हारमोनिका ले लो, वो हारमोनिका आपका हेल्प तभी करेगा जब आप गाना बजाते हो या आप सीख रहे हो या एक मिड लेवल पर पहुँचे हो। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपये का हारमोनिका ले लिया है और आप कल से ही गाना बजाने लगेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ये हारमोनिका सीखना बहुत टफ़ काम नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको मेरे बताए हुए लेसन्स को प्रैक्टिस करना है, या फिर आप किसी टीचर को आप पकड़िए जो कि ऑनलाइन सिखाते हों या जो कि आपके घर के बगल में रहते हों, ठीक है। मेरे ख्याल से 2-3 महीना आपको सरगम वगैरह प्रैक्टिस करने पे या उनके बताए हुए लेसन्स को प्रैक्टिस करने पे आप बहुत ईजी ढंग से गाना बजा सकते हो। हालांकि जितना भी मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया अब तक, मेरे ख्याल से आपको गाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाने की मैं बात कर रहा हूँ कि गाना कैसे बजाते हो आप, कई बार मेरे से ये क्वेश्चन आता है। और देखिए, गाना बजाना हारमोनिका पे पॉसिबल तब होता है जब वो आपके दिल के करीब हो गाना। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बहुत सारा गाना बजाते हैं, लेकिन मैं वही गाना बजाता हूँ जो मेरे दिल को टच करता है, जो मेरे हार्ट को, जो मेरे सेंटिमेंट्स का जुड़ा हुआ है, मैं उसी गाने को ट्राई करता हूँ। वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा बजता भी है। बट स्टार्टिंग में हम लोगों को ऐसा गाना लेना चाहिए जो कि बहुत ही ईजी हो, जिसमें बहुत सारे साफ नोट्स नहीं हो, फ्लैट नोट्स नहीं हो, बहुत ही सिंपल गाना हो, सिर्फ सरगम से बज जाए वो,
तो मेरा मानना यह है कि आप उस गाने को पकड़िए। देखिए सरगम किसी चीज़ का भी आप उठाइएगा, सरगम एक ही जैसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हारमोनिका के लिए बहुत अलग टाइप का आता है और कीबोर्ड के लिए अलग आता है, गिटार के लिए अलग आता है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन टेक्निक्स में फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो मेरे इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई भी गाना बजाने से पहले आप ये बस ट्राई कीजिए कि आप जो गाना बजा रहे हो उसको इतने बार आप सुन लो कि वो आपको याद हो जाए। याद इन द सेंस कैसे करना है, हम लोगों को उस गाने के साथ हमें गाना है, क्या होगा पागल ही समझेंगे ना लोग। अरे गाना बजाना है हम लोगों को यार, गाना गुनगुनाते रहो, कहीं भी आपको टाइम मिले गुनगुनाओ। रात में आप सो रहे हो, सोते समय वो गाना सुनो, गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, आप गाना सुनो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो या आप काम कर रहे हो सब चीज़ छोड़ दो, लेकिन जब भी टाइम मिले उस गाने के ऊपर आप इतना अंदर चले जाओ कि जब आप उस गाने को बजाओ तो प्रॉपर नोटेशन सही आए, प्रॉपर जो धुन है वो सही आए, लिरिक्स है वो सही आए। ऐसे गाने हैं जो कि सिंपल गाने हैं, आप उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, स्टेप बाई स्टेप आप चलेंगे तो आगे जाके आप थोड़ा सा टफ गाना आप बजा सकते हैं। आप एक एक दिन पहले दिन स्टार्ट करें, आप बोलोगे मैं हम्मा हम्मा बजाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गुनगुनाने का मेरा मतलब कहने का ये था कि आप जब गाना गुनगुनाओगे तो आपको याद हो जाएगा वो गाना, आपको याद हो जाएगा कि रिदम कैसा चल रहा है इसका, लय कैसा है इसका, ठीक है, इसका ताल कैसा है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं थोपना नहीं चाहता, हो सकता है कि आपको एक बार में गाना याद आ जाए, लेकिन मुझे नहीं याद होता है जब तक वो गाना मेरे मतलब बहुत क्लोज नहीं होता है, तो मुझे याद नहीं होता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हारमोनिका आपके पास कोई भी हो, ठीक है, आप एक टावर जो मेरे पास है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये टावर हारमोनिका है, आप इस पर कोई भी गाना बजा सकते हो यार इस हारमोनिका पे, और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप इसको कहीं से भी किसी भी मार्केट से खरीद सकते हो, महंगा भी रेट हुआ होगा तो मेरे ख्याल से 600 से 700 के बीच में हो गया हो। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें तीनों ऑक्टेव हैं आपके, ठीक है, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव, ठीक है, सारे ऑक्टेव हैं इसमें आपके। तो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपको लगता है एक साल हो गया है, डेढ़ साल हो गया है, तो इस हारमोनिका को मुझे छोड़ना है या 12 होल के ऊपर आना है, तो आप उस हिसाब से जाओ। आप कोई भी चाइनीज हारमोनिका लो पहले, जो कि स्वैन या स्टॉप का होता है, स्वैन स्टॉप का लोगे आपको मिल जाएगा 3,500 या 4,000 रुपये का। फिर आपको लगता है साल दो साल के बाद, तीन साल के बाद कि नहीं मुझे एक जर्मन या जापनीज हारमोनिका लेना चाहिए, जो कि हॉनर हो सकता है या जो कि सुजुकी हो सकता है या सीडेल का कोई भी हो सकता है। बट मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि पैसे बचाइए, है ना, पैसे बचाइए अच्छे हारमोनिका के लिए। तो पहले आप स्टार्ट कीजिए टावर से। आपने लास्ट लेसन मेरा टावर का पावर देखा था, अब मैं दूसरा जो लेसन अभी देने जा रहा हूँ, आप इस गाने को बजाइए, और इसका रिदम भी आपको दे रहा हूँ, सरगम भी गा के बजाया हुआ है वो भी दे रहा हूँ आपको, तो आपको कहीं से भी इस गाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं बेट लगा के कहता हूँ, अगर आपने इस गाने को हार्डली 2 से 4 दिन ट्राई किया बजाने का, और आप किसी भी पार्टी में बजा रहे हो, किसी भी फंक्शन में बजा रहे हो, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा वहाँ पे जितने लोग होंगे सबकी नज़र आपके ऊपर होगी और आप स्टार बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो गाना है ये बहुत पुराना गाना है, बट ये आज भी सबके दिल के पास है। तो चलिए चलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के सफ़र पे, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और उसका डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा है, जो आपको पसंद आएगा। वन टू वन टू, धा गा धा ध गा, धा ध शा शा गा गा धा, धा गा धा ध गा, गा 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 मा 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 गा। Dasha dhaga, dasha dhaga, dasha dhaga, dasha dhaga, dasha dhaga, dhani share. Nisha nire, nisha nire, nisha dhama. मा पा दा पा मा दा पा मा गा, यहाँ एक तो कोमल धा है।
टोटल सॉन्ग स्थाई धसा धका धसा धगा धसा धगा धसा धगा धसा धगा धनी शरे निशा निरे निशा धमा मा पा द प म द प म ग इंटरल्यूड सा स ग द प सा स ग म ग सा ग रे ग सा ग रे ग सा रे नि स धा सा स ग द प सा स ग म ग सा ग रे ग सा ग रे ग सा रे नि स धा धा ग ग म ग रे 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 ग रे स नि स नि ध नि ध ध ध ध म ग। यहाँ कमल गा है, कमल रे है और कमल धा है। अंतरा सा निशा नि धा द ध द ध निशा ग ध निशा सा निशा नि धा द ध ग म रे ग ध श म ग सा निशा नि धा द ध ग ध निशा ग ध निशा सा निशा नि धा द ध ग म रे ग ध श म ग ध श ध ग। फिर मुखड़ा बैक कर जाएगा। इंटरल्यूड और अंतरा दो बार रिपीट होगा और गाना जब खत्म होगा तो इंटरल्यूड म्यूजिक रिपीट होते होते फेड आउट हो जाएगा ऐसे सा स ग द प सा स ग म ग सा ग रे ग सा ग रे ग सा रे नि स धा द प स ग द प सा स ग म ग सा ग रे ग सा ग रे ग सा रे नि स धा द प स ग द प। अगर टोटल गाना एक साथ बजेगा तो ऐसा होगा।
हाय, तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। ये तो हर बार मैं बोलता हूँ, बट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। और मैं कुछ बेसिक चीज़ों का लिंक दे रहा हूँ जो आपके काम आएगा, अगर आपने मेरा वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है। नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उस पर क्लिक कीजिए, उसको देखिए, आपको फ़ायदा होगा। आप इसको बजाओ यार, लाइफ की जितनी स्ट्रेस है ना वो कम होगी इससे। पढ़ाई की, आप चाहे स्टूडेंट हो, थोड़ा सा टाइम निकालो, या अपने जॉब में हो यार, इसको घुमा दूंगा मैं।